फ्राइडे को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम करा रहे थे, लेकिन अगली क्लास शुरू होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व होने से रह गए थे, जिन्हें आज हम बचे हुए शायद 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं उन्हें आज हम सॉल्व करा देते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। उसके बाद ये ज़रा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके थे। इसमें एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको पता करना है। और हमारा और हमको एक्सीलरेशन के बारे में पता करना है। पॉज कर दें। वहाँ से लेना था, गलत जगह से ले लिया था। और हमें एक्सीलरेशन के बारे में पता करना है। एक्सीलरेशन के बारे में कह रहे हैं, क्या एक्सीलरेशन 0 है, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्या एक्सीलरेशन वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, या एक्सीलरेशन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है, मतलब बीच में है, ये सब बातें पता करनी है। हालांकि मुझे ध्यान आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, लेकिन हो सकता है ना भी कराया हो सकता है, तो हम बहुत जल्दी उसको बता देते हैं। देखिए एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 5t + 3t² और वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 4t। तो पहले एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा इज इक्वल टू 5 + 3 × 2 यानी कि 6t होगा। ये हो गया एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जो कि dvx/dt से दिया जाएगा, तो हो जाएगा 0 + 6 m/s². एक्स डायरेक्शन पे काम कर लिया। अब वाई डायरेक्शन वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट dy/dt होगा जो कि 4 आएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन dv/dt यानी कि 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में नहीं है। यानी एक्सीलरेशन हो गया 6i और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया 6 m/s². यानी कि बॉडी का एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी सही होगा, जबकि ऑप्शन डी में क्या प्रॉब्लम है। एक्सीलरेशन का कोई वाई कंपोनेंट नहीं है और ये कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन वाई ओनली, ये तो गलत हो गया। और वो कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। बॉडी का मोशन एक्स वाई प्लेन पर है। ये देखिए, ये बॉडी की वेलोसिटी है जो एक्स वाई प्लेन पर है, लेकिन बॉडी के पास एक्सीलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। आपको लग रहा होगा कि बॉडी की वेलोसिटी उधर है और एक्सीलरेशन इधर कैसे हो सकता है। यही तो कमी है कि वेलोसिटी उधर है। हम तो कहते हैं भैया जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ एक्सीलरेशन भी डेवलप होता है। यानी कि बॉडी चल तो ऐसे रही होगी, लेकिन चलती हुई इस बॉडी पर एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग गया होगा, और एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में पैदा होगा। ठीक है ना, ये मत सोचा करो कि जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ एक्सीलरेशन होता है, बल्कि ये सोचा करो कि बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो इस बॉडी के पास जो एक्सीलरेशन है वो सिर्फ उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट नहीं है। यानी कि बॉडी का एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में है और वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, बल्कि बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब बॉडी पर लगने वाला फोर्स भी निश्चित रूप से कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन है, ये हमने करा दिया था भाई, ये क्वेश्चन करा दिया था, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अपने आप ज़रूर सॉल्व कर लेना, मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने आप सॉल्व कर लेना। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन भी हो गया था जिसमें बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रही थी और हमारा क्वेश्चन था कि अगर पूरा नीचे तक आने में फोर सेकेंड लगते हैं तो एक चौथाई दूरी तक आने में कितना टाइम लगेगा। इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी का एक्सीलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन ए मान लिया हमने और दूरी को हमने डी मान लिया और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये हाफ इंटू ए और फोर सेकेंड में नीचे आने की बात कही गई है। हाँ, फोर सेकेंड में नीचे आने की बात कही गई है, यानी कि फोर का स्क्वायर तो ये हो गया 8a, ठीक है ना। ये पहली क्वेश्चन बनी थी। क्वेश्चन है कि बॉडी को पूरा नीचे तक आने में अगर 4 सेकेंड लगते हैं तो उसी इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को केवल 1/4 दूरी तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये दूरी d/4 और ये टाइम t2 हमें कैलकुलेट करना है। तो अगली क्वेश्चन होगी d/4 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए t2 स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि तुम कह सकते हो हाफ ए t2 का स्क्वायर, ये क्या बिल्कुल ये कह सकते हो। और अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें, 1 और 2 को डिवाइड करने पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 8a अपॉन हाफ यानी कि 1/2 ए t2 का स्क्वायर, तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 16/ t2 स्क्वायर, तो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसलिए t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, है देखिए ध्यान से, इसमें एक बॉडी है, अच्छा एक क्यूबिकल रूम है जिसके सारे के सारे दीवारों पर मिरर्स लगे हुए हैं, ये है क्यूबिकल रूम, इसकी सारी दीवारों पर क्यूबिकल रूम बना रहा हूँ पहले समय, और इसकी छहों दीवारों पर मिरर लगे हुए हैं। और क्वेश्चन है कि एक इंसेक्ट है जो एक कोने से बिल्कुल अपोजिट वाले कोने की ओर चलना शुरू करता है, वेलोसिटी नहीं दी हुई है, बिल्कुल दूसरे वाले कोने की ओर चलना शुरू करता है, और इसकी जो इमेज इस मिरर पे पड़ती है, इस वाले मिरर पे जो इसकी इमेज बनती है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20√2 मीटर पर सेकेंड, और इस दीवार पर जो इसकी इमेज चलेगी ना, जब बॉडी चलेगी तो उसकी इमेज भी छाया भी चलेगी, तो ये जो कंपोनेंट है वो तो 20√2 है और ये कंपोनेंट भी 20√2 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें कहना पड़ेगा कि ये इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हुआ और ये इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हुआ। तो एक्स और वाई की मदद से हम वी कैलकुलेट कर सकते हैं पहले। तो हमारा क्वेश्चन है कि छत वाले मिरर पर इसकी इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी, ये हमारा क्वेश्चन है कि छत वाले मिरर पर इसकी इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी। तो ये बिल्कुल तय बात है कि क्योंकि ज़मीन और छत एक दूसरे के पैरेलल है तो जिस स्पीड से ज़मीन पर वो चलेगा
उसकी छत वाली इमेज भी उसी के साथ उसी स्पीड से चलेगी, जैसे हम ज़मीन पे चलें और छत में मिरर लगा हो, ठीक है ना, और हम चलेंगे तो मेरी इमेज भी बिल्कुल मेरे साथ चलेगी, यानी कि ऊपर जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो मेरी वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर होगी। तो क्योंकि हाँ क्योंकि क्योंकि फर्श और छत एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, और पैरेलल केस में जैसे हमारा ही एग्जांपल ले लो, अगर हम वी वेलोसिटी से चलेंगे तो छत पर मेरी इमेज भी वी वेलोसिटी से मेरे साथ चलेगी। तो वी निकालने के लिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकते हैं, तो अंडर रूट 20 रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 20 रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हुआ अंडर रूट 800 प्लस 800, यानी कि अंडर रूट 1600, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। इसलिए वी डैश भी वी के बराबर, यानी कि आंसर होगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कराया था कि नहीं, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, नो डाउट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अपने आप ज़रूर सॉल्व कर लेना, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। और अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन पर दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये है ए, जो कि y इज इक्वल टू 4√3 मीटर पर सिचुएटेड है, और कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, हाँ v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड से वो x एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू करता है, और ठीक उसी वक्त एक दूसरा पार्टिकल b यहाँ से चलना शुरू करता है। इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, पर एक एक्सीलरेशन है इसके पास, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है, और दोनों पार्टिकल यहाँ कहीं जाकर टकरा जाते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पार्टिकल यहाँ कहीं जाकर टकरा जाते हैं, तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, यानी कि बॉडी बी को वाई एक्सिस से कितने एंगल पर चलाया गया होगा कि दोनों की टक्कर जरूर हो जाए। सर्टेन कोलिजन का क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू को पता करना है। देखिए यहाँ पर ये दूरी d1, ये d1 दूरी चलेगा, और माना कि ये d2 दूरी चलेगा, और माना कि टाइम जितना इसको लगेगा, अगर इसको t टाइम लगा तो इसको भी टी टाइम ही लगेगा, तभी तो एक साथ पहुंचेंगे और वहां टकराएंगे, तो यानी कि टाइमिंग दोनों के लिए सेम होगी। तो सबसे पहले हमको d1 और d2 कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तो d1 बराबर vt होगा, यानी कि 2t, ठीक है ना, और d2 एक्सीलरेटेड मोशन है, तो इक्वेशन लगानी होगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो ut 0 हो गया, और हाफ ए की वैल्यू 4 और टी स्क्वायर, यानी कि 2t स्क्वायर, ठीक है ना। d1 और d2 कैलकुलेट करने के बाद हम इस ट्रेंगल में पाइथागोरस लगाकर टी निकाल सकते हैं, टी की इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन पाइथागोरस की इक्वेशन बनेगी d1 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू d2 स्क्वायर, तो यानी कि 4t स्क्वायर प्लस ये 48 हो जाएगा इज इक्वल टू d2 स्क्वायर, यानी कि 4t की पावर 4 हो जाएगा, है ना। 4 पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो t स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू t की पावर 4, यानी कि टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम टी स्क्वायर को p मान लें, लेट
टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। टी स्क्वायर को अगर हम पी मान लें तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। और अब हम फैक्टर कर सकते हैं, इसे हम चाहें तो इससे लिख सकते हैं माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 4 प्लस 3 p माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो p माइनस 4 एंड p प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि p की वैल्यू या तो 4 होगी या p की वैल्यू माइनस 3 होगी। लेकिन टाइम क्योंकि नेगेटिव में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं माना जाएगा और इसको माना जाएगा। तो p बराबर 4, इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि बॉडी 2 सेकेंड में, ये दोनों बॉडी 2 सेकेंड में जाके वहाँ पे टकरा जाएंगी। तो हमको एंगल निकालना था, तो एंगल निकालने के लिए इस ट्रेंगल में हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4√3, सही है। और D1 का मतलब है VT, और VT का मतलब है 2 × 2/4√3। तो 4 से 4 कैंसिल करोगे तो 1/√3, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, EMU मेडिकल में आ चुका क्वेश्चन है, कभी भी नीट वगैरह में रिपीट हो सकता है, इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे, हाँ ये क्वेश्चन करवा चुके थे, और कोई बस ये हो गया। तो ये जो भी 3 क्वेश्चन नहीं करवाए थे वो अभी भी हमने करवा दिए हैं, और अब कोई दूसरी DPP बना के उसका सलूशन अभी किसी टाइम पर और करवाएंगे, ठीक है। जो 5 क्वेश्चंस आपको ग्रुप में हमने भेजे थे सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों ने उनको अच्छे से सॉल्व किया है, लगभग सभी लोगों के क्वेश्चन सब सही है, कहीं एक आध जगह पर जो गलतियां हो गई हैं। तो चलिए मैं पूरा सलूशन बता देता हूँ 5 क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन था कि एक बॉडी का एक्स डिस्प्लेसमेंट 3t³ और वाई डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4t³ इक्वेशन से दिया गया है। ऑब्वियसली एक्स और वाई दिया हुआ, यानी कि बॉडी हमारी एक्स और वाई प्लेन पर चल रही है। ये देखिए, ये बॉडी है जो कि एक्स वाई प्लेन पर चल रही है, और एक्स टाइम के साथ इस तरह बदल रहा है और वाई टाइम के साथ इस तरह बदल रहा है, इस प्रकार से बॉडी अपना चल रही है। तो हमें बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो Vx आ जाएगा, यानी कि dx/dt। तो 3 और 3t² ठीक है ना, सभी लोगों ने उसको सही कर रहा है क्वेश्चन को, 9t² हो गया। और y डायरेक्शन की वेलोसिटी dy/dt, तो 4 बाहर आ गया और 3t² हो गया, तो ये हो गया 12t², यानी कि बॉडी की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और एक उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। हाँ, बॉडी की वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट हैं, इसका मतलब है बॉडी इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं चल रही है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर अगर बनाना चाहो तो Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर से भी बना सकते हो, तो ये हो जाएगा 9t² i कैप के साथ और 12
टी स्क्वायर जे कैप के साथ, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि मॉड यानी मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 90 स्क्वायर का होल स्क्वायर और 12 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 81 टी की पावर 4 प्लस 144 टी की पावर 4 कौन है। तो ये रिजल्ट आया अंडर रूट 225 टी की पावर 4, जिसे हम लोग कह सकते हैं 15 टी स्क्वायर। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। और अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बॉडी की वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड और कुछ दूरी चलने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बॉडी चल रही है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस अगर 135 मीटर हो तो ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर की है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलती हुई बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट u प्लस वी बाई 2 इंटू टी से भी लिखा जा सकता है, ये हमने फोर्थ इक्वेशन न्यूटन से इक्वेशन ऑफ मोशन जब बताई थी तो ये फोर्थ इक्वेशन थी और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बड़े काम की इक्वेशन है। तो 135 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 बाई 2 इंटू टी, यानी कि 135 इज इक्वल टू 15 टी, सो टी इज इक्वल टू 135 बाई 15 यानी कि 9 सेकेंड लगेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, उनको ये फार्मूला ध्यान करना चाहिए था और इससे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए था। ये फार्मूला हर उस केस में वैलिड है जिस केस में बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड, और बॉडी 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो बॉडी का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है, ये 20 हुआ और ये 10 इंटू 2 प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यानी कि सॉरी 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 20 और ये 20, ये तो कट गया, और यहाँ पर 2a, सो 2a इज इक्वल टू 0, हेंस a इज इक्वल टू भी 0 होगा, यानी कि इस ये जो बॉडी है इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बॉडी में कि मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक क्वेश्चन और है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 40 थी तो वो 40 थी और ब्रेक लगाने पर 40 थी और ब्रेक लगाने पर वो ब्रेक लगाना मतलब रिटार्डेशन, ठीक है ना, रिटार्डेशन बराबर ए है मान लीजिए,
तो वो 2 मीटर दूर जाकर रुक पाती है। हाँ, 2 मीटर जाकर रुकती है, ब्रेक लग रहा है ना, इसलिए रुकने की बात कही गई है। तो क्वेश्चन है कि अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 40 नहीं बल्कि 80 मीटर पर सेकंड हो, तो बॉडी में उतना ही रिटार्डेशन लगाया जाए जितना पहले लगाया गया था, यही रिटार्डेशन यहाँ भी लगाया जाए, उतना ही ब्रेक यहाँ भी लगाया जाए, तो बॉडी कितनी दूर जाकर रुकेगी। तो क्योंकि रुकने का क्वेश्चन है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 ax माइनस, क्योंकि ये सवाल रिटार्डेशन का है, रिटार्डेशन बॉडी की स्पीड को लगातार कम करता चला जाता है और अल्टीमेटली बॉडी को रोक देता है। ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 ax, तो 2 ax इज इक्वल टू 2 ax इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि पहली इक्वेशन बना सकते हैं 2 ax1 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, और 2 a दूसरी इक्वेशन 2 ax2 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर x1 और x2 वो दूरियाँ हैं जितनी दूरी चलकर बॉडी रुकती है। ठीक है ना, तो अब अगर हम यहाँ पर 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 40/80 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन x2 इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। सो x2 इज इक्वल टू 80 मीटर होगा। ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और इस प्रकार के सवाल कठिन नहीं होते ज़्यादा। ब्रेक लगने पर रिटार्डेशन पैदा होता है जो बॉडी की स्पीड को लगातार कम करता चला जाता है और अल्टीमेटली बॉडी रुक जाती है। इस रुकने वाली दूरी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। ये x1 स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसका मान 2 मीटर सवाल में दिया हुआ है, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस x2 हमें कैलकुलेट करना था, जो बहुत ही ईजिली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और अब आखिरी क्वेश्चन है कि एक बॉडी की वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर है, लास्ट क्वेश्चन है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आर है। ठीक है ना, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है बॉडी के पास। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेटेड बॉडी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बॉडी के पास, तो बॉडी 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है और दूरी हमको मीटर में कैलकुलेट करनी है, तो पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 5/18 यानी कि 10 × 5 मतलब 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अब क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन वाली बॉडी है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग s इज इक्वल टू यू प्लस v/2 × t से सॉल्व कर सकते हैं। बॉडी की यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और बॉडी की 10 सेकंड बाद वेलोसिटी इतनी हो गई है। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी भाई, तो 0 प्लस 50/2 × 10 यानी कि 25 × 10, और 25/10 का सिंपल सा मतलब है 250 मीटर। तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद ही हालांकि लगा लिए थे, कुछ एक दो लोगों ने कुछ गलतियां जो की हैं वो इन सॉल्यूशंस को देखकर अपनी गलती समझ गए होंगे और उसको सुधार लेंगे। तो ये काम हो गया है, अब आज अगर और कुछ काम या अगर आज और कुछ तुम्हें करवाना होगा तो हम अभी वीडियो बना के तुम्हारे ग्रुप में उसको पोस्ट करेंगे। थैंक यू।